तो वेलकम बैक टू माई चैनल वाटिका। और आज हम अपना काफ़ी सारा इमली का बॉन्साई मटेरियल दिखाने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इमलियों को पसंद आता है, क्योंकि जो कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कितना सुंदर सुंदर सा ये लीफ खिला हुआ है, कितना प्यारा प्यारा। चाहिए छोटे कंटेनर में लगा हो या इस तरह के बड़े कंटेनर में लगा के ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो, दोनों ही में काफ़ी बेहतरीन लगता है ये, इसलिए इसको हम ज़्यादा लगाना प्रेफर करते हैं। मतलब टोटल मेरा कितना कंटेनर में, ये एक कंटेनर हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 कंटेनर में लगा हुआ है। मतलब एक और 13 है उधर भी, एक बॉन्साई फॉरेस्ट वाला लुक दे रहे हैं। तो टोटल 13 कंटेनर में काफ़ी सारा इमली का पेड़ लगा, इसी में देख लीजिए तो इतना 3, 2, 5, 7 के आसपास इसमें पेड़ लगा हुआ है, फिर 4 पेड़ इसमें लगा हुआ है, और क्या ही बोल सकते हैं। मतलब ये काफ़ी सुंदर लगता है इमली का, और काफ़ी आसान भी होता है ये बॉन्साई बनाना। काफ़ी आसान होने के कारण इसको हम लगाना थोड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बिगनर लेवल भी काफ़ी आसानी से बना रहता है, और इसका लीफ काफ़ी सुंदर लगता है। मतलब दोपहर के वक्त अगर इसका थोड़ा मॉइस्चर बचाने के लिए अपना थोड़ा पत्ता मोड़ देगा, लेकिन फ़िलहाल सुबह का वक्त है और ये काफ़ी खूबसूरती के साथ ये खिल रहा है। अभी ना फूल ही है जो ये खिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी प्यारा लगता है। ये देखिए छोटा सा मिनीचर बॉन्साई, न कि क्या फॉरेस्ट लुक दे रहे हैं इसमें, और ये अभी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इस तरह का एक फिनाइल का डब्बा था, उसी को काट दिए तो ऊपर वाले में ये लगा दिए, जो कि देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। देखिए फिर ये इस तरह का भी छोटा सा स्टार्ट किया हुआ है बॉन्साई, इसको मतलब इसी छोटे कंटेनर में उगाएंगे हम, लगभग 3-4 साल तो और लगाएंगे इसमें, इसी कंटेनर में, जो कि ये आराम से उगेगा और थोड़ा बेहतरीन लगेगा, काफ़ी बेहतरीन सा। उसी तरह से ये भी एक और है, ये देखिए छोटे से कंटेनर में। इसका क्या हो गया था कि इसको ज़्यादा पानी मिल गया था, तो ये फिर थोड़ा गलने लगा था अपना रूट रूट। फिलहाल तो इसको धूप में निकाल के रखे हैं और अभी जस्ट ही पानी दिए, इसलिए इसका थोड़ा कंडीशन सही है। देखिए इस तरह का ये और छोटा कंटेनर में हम इसको लगाया हुआ है, बहुत छोटा कंटेनर लगाया हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छा से उग रहा है। काफ़ी साल पहले इसको लगाए थे, लगता है इसको लगभग 2 साल पहले लगाए थे। इसका शायद एक और शॉर्ट्स वगैरह भी डाला है, जो ये ऊपर से मल्टीपल ब्रांच निकालना अब शुरू कर चुका है, क्योंकि इसमें ग्रोथ इसको काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन देखते हैं ये कैसा हो गएगा। फिलहाल थोड़ा लोग कि अभी उतना अच्छा सीज़न नहीं है, वैसे यहाँ पर एक न्यू ग्रोथ लेना स्टार्ट कर चुका है वो, लेकिन देखेंगे फिर इसका और कैसे अच्छा आता है। ये देखिए एक स्पाइडर इस पर, मेरे गार्डन में स्पाइडर कुछ ज़्यादा ही आया हुआ है, मतलब और सारे इंसेक्ट के अलावा स्पाइडर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला स्पाइडर काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। ये एक और कंटेनर, मतलब टोटल ये 4 कंटेनर में लगाए थे, लेकिन एक कंटेनर में ये वाला पेड़ जो है वो मर गया था कम पानी की वजह से। खैर क्योंकि इसमें पानी का भी काफ़ी अच्छे से डालना पड़ता है, वरना ये अगर सूख जाएगा तो फिर जल्दी ही मर जाएगा। तो ये वाला जो है इसको हम काफ़ी वक्त पहले लगाए थे, मतलब जब ये वाला पेड़ लगाए थे तभी हम उसको भी लगाए थे, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से उग रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा हल्का सा बड़ा कंटेनर मिला था। खैर अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कंटेनर देते हैं तो ये और बड़ा पेड़ बनता। खैर फिलहाल ये मल्टीपल ब्रांचेस निकाल रहा है, देख रहे हैं कितना सुंदर है ये। इसको कोई एक सिंगल सिंगल कंटेनर देंगे, इसका एक स्पेशल वीडियो अलग से शूट करेंगे और उसको डालेंगे। फिलहाल इसको हम देख रहे हैं कि इसको इसमें ही उगने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ग्रोथ लेना रुका हुआ है इस पेड़ का, ना अभी ना ही कोई पेड़ का मतलब पता नहीं निकल नहीं रहा, इसलिए इसको ऐसे रखा हुआ है।